बीते कुछ दिनों पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान और राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात कर सलाह दी कि उन्हें अनावश्यक बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उनके बयानों का असर पूरे देश में पल रहा है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जो आक्रामकता है और जो बयानबाजी है अब उनकी पार्टी पर भारी पड़ रही है। जी हां, भारी नुकसान बीजेपी को हो सकता है क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के कारनामों ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। आपको जानकारी देना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आई है, 72 घंटे का रोक लगा दिया गया है उनके चुनाव प्रसार पर। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर हाल ही में जो बयानबाजी की जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया। जी हाँ, मुसलमानों को लेकर भी घिर गई साध्वी प्रज्ञा, जिसके बाद तमाम बड़ी सामने आ रही हैं बातें। बताना चाहेंगे हम आपको, इसी की वजह से साध्वी प्रज्ञा इसी के निशाने पर आ गई है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कदम उठाया गया है साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, जिन्हें 72 घंटे तक अब नहीं करने दिया जाएगा चुनाव प्रसार, जो बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़पोल को लेकर चर्चा में आ गई हैं, जिन्होंने फॉर्मर ATS चीफ मिनिस्टर हेमंत करकरे के खिलाफ रिमार्क्स अपने बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपमान सह लिया है। गौरव, हम आपको बताना चाहेंगे, सुबह 6 बजे से कैंपेन करने के लिए भोपाल साध्वी प्रज्ञा को आना पड़ा, लेकिन वहां 72 घंटे का रोक उन्हें लगा दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा किस तरह से साध्वी इस मुसीबत से बचती है। बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल है, जिस तरह धर्म और इस तरह से मंदिर मस्जिदों को लेकर चुनाव प्रसार में पूरी तरह से घिरा जा रहा है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद को लेकर साध्वी प्रज्ञा का बयानबाजी करना उनके लिए ही घातक साबित हुआ। SPN 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।